नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो है वो दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन उस वनडे मुकाबले से पहले बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि भाई किसको बाहर निकाला जाएगा, किसको अंदर लिया जाएगा। तमाम तरीके की बातें इस वक्त चल रही हैं। तो जाहिर तौर पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो दूसरा वनडे मुकाबला होगा, उस वनडे मुकाबले में दो बड़ी गाज गिर सकती है, दो खिलाड़ियों को बाहर निकाला जा सकता है, दो खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब वो दो खिलाड़ी कौन से होंगे और किस तरीके की प्लेइंग 11 बनेगी, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो चलिए, सबसे पहले जो गाज गिरती नजर आ रही है वो रोहित शर्मा के एक करीबी पर गिरती नजर आ रही है। खबर ये है कि खबर के मुताबिक ईशान किशन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। खबर के मुताबिक रोहित शर्मा और शुभमन गिल ये दोनों ओपन करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, और जो पिछली बार एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट इस बार नजर नहीं आएगा। आपको शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा ओपन करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में नंबर 3 पर विराट कोहली नजर आएंगे। वो छेड़छाड़ अब नहीं होगी उसी तरीके से, अब पहले तरीके से टीम इंडिया खेलती हुई नजर आएगी। नंबर 3 पर आपको विराट कोहली नजर आने वाले हैं। उसके बाद में जो नंबर 4 की पोजीशन है, जहां पर लपड़ा हो रहा है, जहां पर लगातार लड़ाई हो रही है कि भाई नंबर 4 पर कौन खेलेगा, तो वहां पर खबर ऐसी है कि ईशान किशन को बाहर टीम इंडिया नहीं करेगी। नंबर 4 पर ईशान किशन को टीम इंडिया खिलाएगी। नंबर 4 पर इसलिए क्योंकि ऊपरी क्रम पर एक बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर होना चाहिए बीच में, इसलिए नंबर 4 पर ईशान किशन को रखा जाएगा टीम इंडिया में। ये टीम इंडिया की, और वैसे भी पिछले मैच में रन बनाए हैं, तो जाहिर तौर पर ईशान किशन को बाहर करना भी मुश्किल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ईशान किशन को बाहर नहीं निकाला जाएगा, ईशान किशन को बाहर मतलब नंबर 4 पर आजमाया जा सकता है। उसके बाद में नंबर 5 की लड़ाई जो है वो भी बड़ी दिलचस्प है। अब खबर यह है कि सूर्य कुमार यादव को बाहर निकाला जाएगा, यह खबर है कि सूर्य कुमार यादव को दूसरे वनडे से बाहर निकाल दिया जाएगा, और सूर्य कुमार यादव की जगह संजू सैमसन को मौका दिया जाएगा। संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा और संजू सैमसन को नंबर 5 पर खिलाया जा सकता है, यह खबर है। अब देखिए, टॉप 5 फिक्स हो गए हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन और संजू सैमसन, ये टॉप 5 फिक्स हो गए हैं टीम इंडिया के। उसके बाद में नंबर 6 पर आपको नजर आएंगे हार्दिक पांड्या आपको नंबर 6 पर नजर आने वाले हैं। नंबर 7 पर आपको रविंद्र जडेजा नजर आएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, रविंद्र जडेजा आपको नंबर 6 पर नजर आएंगे। अब नंबर 7 की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि पिछली बार जो तेज गेंदबाजी का जिम्मेदारी थी वो आप मोहम्मद सिराज नहीं थे, तो जाहिर तौर पर मुकेश कुमार, उसके बाद में आपके उमरान मलिक, इस तरीके के गेंदबाजों के हाथ में थी, शार्दुल ठाकुर थे और हार्दिक पांड्या थे, ये 4 तेज गेंदबाजों के ऊपर जिम्मेदारी थी। लेकिन क्योंकि पिच धीमी है, ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि पिच धीमी है, पिच पर स्पिनर्स को मदद है, इसीलिए एक तेज गेंदबाज को बाहर निकालकर एक स्पिनर्स को ज्यादा खिलाया जाएगा। तो आपको रविंद्र जडेजा के बाद जो पोजीशन है वो आपको अक्षर पटेल नजर आ सकते हैं। अक्षर पटेल इसलिए क्योंकि गेंदबाज और बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा गेंदबाजी के बारे में रोहित शर्मा सोचेंगे तो चहल को भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी किसको खिलाएंगे, तो ये गेंदबाजी के तौर पर भी एक बदलाव हो सकता है। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह होगा कि भाई गेंदबाजी के, तेज गेंदबाजी के तौर पर किसको बाहर किया जाएगा। उमरान मलिक ने भी अच्छी गेंदबाजी की, मुकेश ने भी अच्छी गेंदबाजी की, शार्दुल ने भी अच्छी गेंदबाजी की, और हार्दिक तो खैर रहेंगे। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है कि किस गेंदबाज को बाहर निकाला जाएगा जो अक्षर पटेल या चहल को खिलाया जाए। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव आपको स्पिनर्स के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन 2 की जगह 3 स्पिनर यहां पर आपको खेलते नजर आ सकते हैं, क्योंकि पिच पर स्पिनर्स को मदद है, पिच पर स्पिनर्स के लिए बहुत फायदा है, इसलिए आपको 3 स्पिनर खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन बल्लेबाजी में जाहिर तौर पर सूर्य कुमार यादव का बाहर होना लगभग पक्का माना जा रहा है, और सूर्य कुमार यादव की जगह पर ऐसा माना जा रहा है कि संजू सैमसन को मौका इस बार दिया जाएगा दूसरे वनडे में। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी खबर दूसरे वनडे की प्लेइंग 11 को लेकर है। आपका क्या मानना है, क्या वास्तव में आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव को वनडे से बाहर कर देना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, और तेज गेंदबाजी में किसको बाहर किया जाए ताकि एक स्पिनर को खिलाया जाए, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।